हेलो फ्रेंड्स वन सेकेंड वेलकम बैक टुडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट प्री नेटल डेवलपमेंट एंड बर्थ प्रोसेस सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्री नेटल डेवलपमेंट क्या होता है और बर्थ प्रोसेस को हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जो आगे अपलोड कर दिया जाएगा ठीक है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रसव पूर्व विकास क्या होता है इसके ये कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजरता है ठीक है तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा मेन फोकस जो रहेगा वो प्रसवपूर्व विकास पे रहेगा प्री डेवलपमेंट पे रहेगा जो बर्थ प्रोसेस है अर्थात जन्म प्रक्रिया है इसके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए जान लेते हैं कि गर, सबसे पहले इसमें हम आपके प्री नेटल डेवलपमेंट में गर्भाधान को जानेंगे कि गर्भाधान क्या होता है कॉन्सेप्शन क्या होता है तो जब स्त्री और पुरुष जो जब स्त्री और पुरुष के प्रजनन कोशिकाएं जो होती हैं अर्थात अंडाणु और शुक्राणु ये स्त्री और पुरुष के प्रजनन कोशिकाएं हैं जब आपस में इनका संयोग होता है ठीक है जब ये आपस में मिलते हैं तो गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न होती है यहाँ पे आप आ, आ, शब्दों के माध्यम से देख सकते हैं कि कह रहा है कि स्त्री पुरुष प्रजन कोशिकाओं अंडाणु ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है आप आप लोग इसको सही कर लीजिएगा यहाँ से आप आ, आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं ठीक है नोट्स बनाकर इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं तो आ, कह रहा है कि स्त्री स्त्री पुरुष प्रजनन को अंडाणु एवं शुक्राणु के परस्पर संयोग से अर्थात मिलन से गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न होती है जो सामान्यतः नौ कैलेंडर मास मा मा यहाँ पे दे दिया है ठीक है मास रहेगा नौ कैलेंडर मास तथा दो सौ अर्थात दो सौ अस्सी दिनों तक चलती है यह इसका टाइम पीरियड क्या होता है तो कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये नौ माह तक चलता है और दिन के हिसाब से देखें तो ये 280 दिनों तक का इसका टाइम पीरियड होता है ठीक है अतः संपूर्ण गर्भावस्था को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है ये जो गर्भावस्था होती है उसको तीन अवस्थाओं में बांटा गया है जिसमें पहला है डिम्बावस्था या बीजावस्था दूसरा है भ्रूणावस्था तीसरा है शिश, गर्भस्थ शिशु की अवस्था अब सबसे पहले जान लेते हैं कि डिम्बावस्था क्या होता है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे ये स्त्री कोश है अर्थात ये जो प्रजनन कोशिका है वो स्त्री की है और ये जो प्रजनन कोशिका है ये पुरुष की है अर्थात स्त्री प्रजनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं और पुरुष प्रजनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं जब इनका आपस में मिलन होता है तो गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है यहाँ पर आपका शुक्र यहाँ पे शुक्राणु क्या कर रहा है यहाँ पे इस अंडाणु से संबंध स्थापित स्थापित कर रहा है यहाँ पे पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया है और यहाँ पे गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है अब ये जायगोट का रूप ले लिया है ठीक है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे संपन्न हो चुकी है और ये जायगोट के रूप में हो चुका है ठीक है अब आगे दे लेते हैं सबसे पहले डिम्बावस्था या बीजावस्था इसका क्या टाइम पीरियड है ठीक है तो यह अवस्था गर्भाधान से लेकर यह अवस्था गर्भाधान से लेकर दो सप्ताह तक चलती है इस अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है अभी हम बताए हैं कि इस अवस्था में गर्भ डिम्बावस्था में जो गर्भस्थ शिशु होता है जीव होता है वो अंडे के आकार का होता है ठीक है अंडे के आकार का होता है इसके अंदर निरंतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है इस अंडे आकार के अंदर क्या होता है निरंतर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है ठीक है कह रहा है कि यह, गर यह गर्भाधान से लेकर यह यह अवस्था गर्भाधान से लेकर दो सप्ताह तक चलती है इस अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है जिसे जाइगोट कहते हैं क्या कहते हैं जायगोट कहते हैं इसके अंदर निरंतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है लगभग एक सप्ताह तक लगभग एक सप्ताह तक यह जायगोट गर्भाशय के तरल पदार्थ में तैरता रहता है ठीक है और अपना पोषण वहीं से स्वयं करता है किंतु दस दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता है जिसे अरारोपण कहते हैं ठीक है अरारोपण कहते हैं यह क्या करता है आ, ये जाइगोट दस दिन के बाद गर्भाशय के दस दिन आ, आ, गर्भाधान के दस दिन के बाद ये गर्भाशय की दीवार से जाकर क्या होता है चिपक जाता है जिसे आरारोपण या इम कहते हैं आरारोपण के दौरान जाइगोट की ऊपरी परत फटकर असमान आकार ग्रहण कर लेती है यहीं से गर्भनाल ठीक है प्लासेंटा की रचना प्रारंभ हो जाती है जब जायगोट के के ऊपरी परत जाइगोट का जब ऊपरी परत फट जाता है तो असमान आकार का हो जाता है और वहीं से गर्भनाल की रचना प्रारंभ हो जाती है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह आपका जाइगोट है ठीक है ये पूरी तरह से अंडे के आकार का है और ये क्या करता है गर्भाशय की तरल पदार्थ में ये हमेशा तैरता रहता है और दस दिन बाद ये गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यह यहाँ से यहाँ तक तैरते हुए आ रहा है और यहाँ पे आके गर्भाशय की दीवार पे यहाँ पे आके चिपक गया है यहाँ पे क्या हुआ है चिपक गया है अब यहीं से इसका पूरा डेवलपमेंट होगा और विकास होगा और ये ठीक है यहाँ पे आप लोग आई वो होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे ठीक है अब देख लेते हैं एम्ब्रॉनिक पीरियड अर्थात भ्रूणावस्था यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग टाइपिंग मिस्टेक है यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है जो तीसरे सप्ताह से लेकर दो माह तक चलती है समस्त ये विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ठीक है इसमें क्योंकि इसमें समस्त शारीरिक शरीर रचना आकार आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है यह यह विकास की मतलब ये गर्भावस्था के जो ये सेकेंड स्टेज होता है ये विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है क्योंकि इसमें शरीर के सारे अंग निर्मित होते हैं ठीक है आ, कह रहा है कि यह, आ, यह दूसरी अवस्था है अर्थात यह गर्भकालीन विकास की क्या है दूसरी अवस्था है जो तीसरे सप्ताह से लेकर दो माह तक चलती है समस्त शरीर रचना आकार आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है इस अवस्था के अंत तक इस अवस्था के अंत तक भ्रूण मानव आकृति प्राप्त कर लेता है भ्रूण भु, भ्रूणावस्था में जो भी विकास होता है वो तीन परतों में होता है ठीक है और भ्रूणावस्था में जो भी विकास होता है वो संरचनात्मक होता है ठीक है तो आ, ये संरचनात्मक विकास तीन परतों से होकर गुजरता है पहला है बाह्य परत पहला क्या है पहला है बाह्य परत जिसको एक्टोडर्म कहते हैं ठीक है पहला क्या है बाह्य परत एक्टोडर्म इसमें त्वचा बाल दांत, नाखून त्वचा ग्रंथियों ना नाड़ी मंडल का निर्माण निर्माण होता है जो बाहरी परत होते हैं जैसे त्वचा है बाल है दांत है नाखून है त्वचा ग्रंथियां हैं नाड़ी मंडल है इन सबका बाह्य परत में अर्थात एक्टोडर्म में निर्माण होता है जो मध्य परत है जो इसका मध्य परत है उसमें त्वचा तो के भीतरी भागों का अर्थात मांसपेशियों का निर्माण होता है और आंतरिक परत ठीक है आ, फर्स्ट क्या है फर्स्ट एक्टोडॉर्म है सेकेंड है आपका मेसोडर्म है और थर्ड है और लास्ट है एंडोडर्म ठीक है जिसे आंतरिक परत कहते हैं इससे आंतरिक अंगों जैसे पाचन तंत्र श्वसन तंत्र यकृत इन सबका निर्माण होता है और विभिन्न ग्रंथियों का भी निर्माण इसी परत में होता है इसी एंडोडर्म में होता है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भ्रूण जब भ्रूणावस्था में बच्चे आते हैं भ्रूण इन्हीं को भ्रूण कहा जाता है ठीक है यहाँ पे बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो गया है इसकी जो भी संरचनात्मक विकास होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अब अब बच्चे अब बच्चा धीरे 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 बढ़ेगा और विकसित होगा ठीक है और एक बेबी का रूप ले लेगा ठीक है अब है तीसरी अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था पीरियड ऑफ फेटस यह तीसरी यह तीसरी मास के प्रारंभ से ठीक है यह अवस्था ती, तीसरी मास के यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक है यह अवस्था तीसरी मास के प्रारंभ से जन्म लेने तक जन्म लेने के पूर्व तक होती है जन्म लेने से पहले होती है जन्म लेने के बाद तक नहीं होती है ठीक है यह तीसरी अवस्था और ये आखिरी अवस्था है ठीक है तो यह तीसरी अवस्था प्रारंभ तीसरी मास से प्रारंभ होकर जन्म लेने से पूर्व तक चलती है चलती है यह अवस्था निर्माण की नहीं अपितु विकास की अवस्था होती है जो सेकंड अवस्था थी उसमें वो निर्माण की अवस्था थी उसमें जो भी विकास हो रहा था संरचनात्मक हो रहा था अब इसमें न, ये निर्माण की अवस्था नहीं है ये विकास की अवस्था होती है क्योंकि यहाँ पे बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है अब इसमें धीरे धीरे बच्चे के लंबाई में और चौड़ाई में वृद्धि होती है ठीक है अब देख लेते हैं अगला स्टेज तीसरे माह में तीसरे माह में तीस तीसरा माह इस अवस्था में हाथ पैर की उंगलियां बन जाती हैं ठीक है, है? तथा तो शरीर पर लाल पतली मुलायम गुलाबी रंग की त्वचा आ जाती है तीसरे मास में ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं इसमें बच्चे की लंबाई सिक्स सेंटीमीटर, इसमें बच्चा कितने लंब, कितना लंबा होता है तो सिक्स सेंटीमीटर लंबा होता है चौथे माह में चौथे माह में इस समय शिशु की लंबाई ग्यारह ग्यारह से तेरह सेंटीमीटर होती है ठीक है तथा भार एक सौ दस ग्राम होता है इसमें मुख्य रूप से नाखून एवं मसूड़ों का विकास होता है ठीक है चौथे माह में क्या विकसित होता है तो बच्चों का नाखून बनता है और मसूड़ों का विकास होता है इस अवस्था में बच्चे ग्यारह से तेरह सेंटीमीटर होते हैं तथा भार इनका कितना होता है तो एक सौ दस ग्राम होता है ठीक है अब देख लेते हैं पाँचवें माह में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है जाइगोट है ये इम्ब्रायो है ये फेटस है और यहाँ पे पूर्ण रूप से ये क्या है बेबी है ठीक है आगे देख लेते हैं पाँचवें माह में पाँचवें माह में पाँचवें पांचवे माह में शिशु की लंबाई बीस सेमी तथा बीस सेमी हो जाती है ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसको आप लोग कट कर लीजिएगा तथा भार यहाँ पे भार की जगह पे भारतीय दे दिया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा सही कर लीजिएगा कह पांचवी माह में शिशु की लंबाई बीस सेमी तथा भार दस ग्राम हो जाता है इस अवस्था में हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है पाँचवें महीने में शिशु का जो हृदय होता है वो धड़कना प्रारंभ कर लेता है अब छठे माह में क्या होता है तो इस अवस्था में सिर का विकास तीव्र गति से होता है ठीक है सातवें माह में इस अवस्था में शिशु शिशु माँ के पेट में स्थिर हो जाता है अर्थात अब वो हिलता डुलता उतना नहीं है क्योंकि उसका आ, उसका आकार बड़ा हो जाता है और गर्भाशय का भी आकार ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बच्चा वहाँ वहाँ पर हिल डुल नहीं पाता इसलिए वो स्थिर हो जाता है आठवीं माह में आठवीं माह में शिशु की लंबाई अट्ठारह इंच हो जाती है तथा वजन पाँच पाउंड इस अवस्था में भ्रूण पूर्ण रूप से क्या होता है विकसित हो जाता है अर्थात तो जो भी विकास था जो भी ग्रोथ था उसका वो यहाँ पे पूर्ण रूप से अ, अ, मतलब पूर्ण हो जाता है अर्थात तो विकसित यहाँ पे बच्चा हो जाता है ब, अ, बाहरी पर्यावरण में आने लायक हो जाता है और नौवें माह में नौवें माह में यहाँ पे थोड़ा सा भी आप देख लीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है नव में हमें शिशु की त्वचा पर स्वाभाविक रंग आ जाता है अर्थात तो जो कलर होता है बच्चे का गोरा या काला जो भी होता है वो आ जाता है तथा तो सिर पर घने बाल आ जाते हैं इस समय भ्रूण धीरे धीरे गर्भाशय के नीचे की ओर खिसकने लगता है और जन्म तक इसी अवस्था में रहता है ठीक है तो यहाँ से आप लोग आसानी से यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले माह में बच्चा किस आकार का है और दूसरे माह में तीसरे माह में चौथे माह में पाँचवें माह में छठवें माह में सातवें माह में यहाँ पे बच्चा पूर्ण रूप से क्या होता है विकसित हो जाता है उसका जो भी शारीरिक निर्माण होता है यहाँ पे कंप्लीट OK हो जाता है अब बच्चे यहाँ पे धीरे 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 क्या होता है बढ़ता है ग्रोथ करता है बड़ा होता है और यहाँ पे पूरी पूरी तरह से विकसित हो गया है ठीक है बेबी के रूप में आ गया है अब है गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात गर्भकालीन विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो सबसे पहले माँ का आहार माँ का आहार जो होता है वो बच्चे को बच्चे के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है क्योंकि जिस जिस तरह से माँ जिस तरह माँ अपना आहार लेती है उस 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 तरह से बच्चे का विकास होता है अगर माता को पौष्टिक आहार मिलता है तो बच्चे का विकास भी अच्छी दिशा में होता है सेकंड है माता का स्वास्थ्य तो माता का स्वास्थ्य भी कुछ हद तक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है अगर माता स्वस्थ रहती है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती है तो स्वस्थ बच्चे का निर्माण होता है और स्वस्थ बच्चे का विकास आसान अच्छे से बच् होता है ठीक है बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो बच्चे का विकास भी अच्छी तरह अच्छी दिशा में नहीं होता है अगला है मादक द्रव्य तथा तंबाकू का सेवन ये भी बच्चे के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है ठीक है इसीलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था में कभी भी तंबाकू का सेवन या मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए इससे बच्चे के विकास पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है ठीक है अगला है संवेगात्मक माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ अर्थात तो माँ अगर माँ के संवेगात्मक माँ में अगर संवेगात्मक अस्थिरता है तो बच्चे में भी वो क्वालिटी आ जाती है इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे दिनों में आप रामायण या गीता या कुरान जो भी हो उसको पढ़ें और अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करें ताकि बच्चा उस चीज़ को ग्रहण करता रहे ठीक है उसके भी उसमें भी जो संवेगात्मक विकास है वो इसी टाइप का हो ठीक है आगे है माता का उम्र अगला है माता का उम्र माता का उम्र भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है क्योंकि अपरिपक्व माता पिता परिपक्व बच्चे को जन्म नहीं दे सकते ठीक है अगला है जन्म का महीना जन्म का महीना भी आ, आ, कुछ हद तक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है अगर बच्चा बच्चा अपना आ, उम्र आ, मतलब जन्म का महीना कंप्लीट कर लेता है तो कंप्लीटली बच्चे का विकास पूर्ण हो जाता है लेकिन अगर बच्चे का जन्म आ, दो आ, तीन महीने में चार महीने में हो जाता है तो ऐसे बच्चे पर आ, जो बाहरी वातावरण है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते ठीक है अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है तो ये था हमारा प्री नेटल डेवलपमेंट ठीक है इसके सेकेंड पार्ट में अब इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि की बर्थ प्रोसेस क्या होता है अर्थात डिलीवरी क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं ठीक है थीके?